नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज़ लाइव। आइए देखते हैं अच्छी खास। राजसमंद विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी से भामाशाह तनसुख बोहरा का टिकट फाइनल होने पर केलवा व आसपास क्षेत्रों में दौड़ी हर्ष की लहर। राजस्थान के राजसमंद विधानसभा से दिवंगत किरण माहेश्वरी की मृत्यु के बाद रिक्त हुए विधानसभा सीट पर अगले कुछ दिनों बाद उपचुनाव होने हैं, जिसमें केलवा के भामाशाह तनसुख बोहरा को कांग्रेस पार्टी से टिकट फाइनल होने पर जश्न का माहौल केलवा व आसपास के क्षेत्रों में दिखाई देने लगा है। आपको बता दें, राजसमंद विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी को लेकर लंबे समय से चल रही उठापटक को आज विराम लग गया। वहीं भामाशाह व समाज सेवी तनसुख बोहरा का नाम डिक्लेयर होने पर ग्रामीण व समाज सेवियों ने बोहरा साहब के घर पर पहुंचकर मेवाड़ी पगड़ी व माला से भव्य स्वागत किया। ज्ञात हो, पिछले दिनों केलवा अस्पताल के हुए वर्चुअल उद्घाटन के बाद क्षेत्रवासियों ने तनसुख बोहरा को प्रत्याशी बनाए जाने की मांग प्रमुखता से उठाई थी। अब क्षेत्रवासियों की मांग को देखते हुए कांग्रेस ने जब बोहरा को उम्मीदवार घोषित कर दिया है तो समूचे राजसमंद जिले में खुशी की लहर छा गई। बोहरा को बधाई देने वालों का तांता लग रहा है। वहीं भामाशाह बोहरा द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया जा रहा है। बोहरा परिवार ने केलवा में 2 मुक्तिधाम, राधा कृष्णा जल मंदिर बनाया और स्कूल व हॉस्पिटल बनाया हुआ आसपास गांव में ठंडी पानी के कूलर भी लगवाए हैं। बोहरा के खिलाफ भाजपा ने पूर्व दिवंगत विधायक की पुत्री दीप्ति माहेश्वरी को उम्मीदवार बनाया है, जिससे यह चुनावी जंग काफ़ी रोचक हो गई है। हालांकि क्षेत्रवासी तनसुख बोहरा के कार्य को देखते हुए जीत के प्रति आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। इस अवसर पर आत्मा सरपंच मूलाराम रेबारी, भेरूलाल सुराणा, नरेंद्र बोहरा, मकबूल हुसैन, मुकेश पाराशर, लक्ष्मण पाराशर, भरत रजक, अब्बास भाई, जावेद मोहम्मद, रमेश तेली, मनीष गांग, सुभाष कोठारी, कन्हैयालाल पाराशर, लियाकत हुसैन आदि उपस्थित थे। सेफ न्यूज़ लाइव के लिए राजसमंद से मनीष गांग की स्पेशल रिपोर्ट। आप क्या लगता है जनता के बीच में? सबसे पहले मैं शीर्ष नेतृत्व का आभार ज्ञापित करता हूँ। मैं जैसे एक व्यापारी वर्ग से जुड़ा हुआ हूँ, जिसपे सरकार ने शीर्ष नेतृत्व मेरे पर विश्वास किया। विजन सरकार का, मेरा विजन बहुत ही साफ है। मैं एक व्यवसाय प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ और सदैव लोगों के साथ रहता हूँ, लोगों की समस्याओं को निराकरण करता हूँ और इस एरिया के लिए मैं नया भी नहीं हूँ। मैं बहुत सादगीपूर्ण जीवन जीने वाला व्यक्ति हूँ। रही बात विजन की, विजन यहाँ राजसमंद में इतनी प्रचुर संभावनाएँ हैं, जितना काम करेंगे उतना कम होगा। जनता के साथ मिल बैठ के जो भी उनकी मूलभूत सुविधा है, चिकित्सा है, शिक्षा है, पानी की सीधे लाइन है, नहरों की समस्या है, टूरिज्म है, तो मैं जनता के साथ ही बैठूंगा, नगर के साथ बैठूंगा, ग्रामीणों के साथ बैठूंगा और उनसे विचार जानूंगा। उनके विचार जानने के बाद जो उनसे अच्छे से अच्छे मेरे को सजेशन मिलेंगे, मैं राज्य सरकार के साथ पहुँच के उनको त्वरित गति से, तुरंत प्रभाव से यहाँ की जनता के लिए लागू करवाऊँगा। विगत करीब 18 साल से यहाँ पर भाजपा का गढ़ रहा है। दिवंगत विधायक किरण माहेश्वरी, मेरी केवल मात्र मैं आपको बार बार निवेदन करूँ, पॉजिटिव सोच रहेगी। किरण जी सदैव मेरे लिए भी बहुत रेस्पेक्टेड रही है और वो अपना काम अपने हिसाब से करते थे। अब वो आत्मा यहाँ है ही नहीं है। तो उनसे जो सीखा, अन्य लोगों से जो सीखा, मेरे बुजुर्गों से सीखा, मैंने गाँव वासियों से, शहर में बैठ के जनरल व्यक्तियों से जो मैंने सीखा है, उसको एक क्रियान्वित करने का मेरे लिए भगवान ने इस तरह से मेरे को यहाँ भेजा है। मैं उस निमित्त मात्र बन के यहाँ की जनता के लिए व्यक्तिगत रूप से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे रूप से मैं उस कार्य को कर सकूं। मैं किसी प्रतिरात्मक या किसी विरोधाभास या किसने क्या किया इस बयानबाजी में बिल्कुल जाने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं पॉजिटिव सोच रखता हूं, आगे मुझे क्या करना है, पीछे वालों ने क्या किया ये मेरा ध्येय नहीं है। मैं वो आगे क्या करना है उस बारे में आप कोई भी जानकारी चाहे मुझे पूछें। आप अब तक के विगत 6 महीने पहले से मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं राजनीति में आऊँगा। प्रभु द्वारकाधीश, श्रीनाथ जी, चारभुजा नाथ सभी ने मिलकर मेरे को आज इस मुकाम पर पहुँचाया है, जहाँ मुझे कहीं संभावना ही नहीं थी। आगे भी मेरे पे प्रभु का पूरा आशीर्वाद है और मैं प्रभु में विश्वास करता हूँ कि जो भी चुनौतियाँ आएगी उनको हाथ जोड़ के, जनता के साथ बैठ के, मिलजुल के और पॉजिटिव सोच रख के उनको सुलझाऊँगा। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।